दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आज की डेट में 18 जुलाई की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो बहुत सारे रिजल्ट जारी हुए हैं जिसका आप लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि ये रिजल्ट कब जारी होगा, तो वो रिजल्ट आज यहाँ पर जारी हुआ है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट जो आप लोग पूछ रहे थे काफ़ी दिनों से, वो रिजल्ट अब जाके जारी हुआ है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर BA क्लासिक प्राचीन संस्कृत का पार्ट वन का एनुअल एग्जाम मार्च अप्रैल का ये रिजल्ट जारी हुआ है। 83.72% आया है, क्योंकि 43 विद्यार्थी में से 36 विद्यार्थी यहाँ पर पास हुए हैं, 4 फेल हुए हैं और 3 पूरक है और 1 एब्सेंट था। उसके बाद BCOM सेकंड ईयर का एनुअल एग्ज़ाम का ये रिजल्ट है, इसका रिजल्ट 98.97% है, क्योंकि 8,858 स्टूडेंट में से 8,767 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, 54 फेल हुए हैं, 30 जो है सप्लीमेंट्री आए हैं और 7 के रिजल्ट रोके गए हैं, 34 स्टूडेंट यहां पर एब्सेंट भी थे। उसके बाद BCOM फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है एनुअल एग्ज़ाम का, तो इसका रिजल्ट 97.89% है, क्योंकि 10,197 स्टूडेंट में से 9,982 पास हुए हैं, 104 फेल हुए हैं और 111 सप्लीमेंट्री आए हैं, 72 यहाँ पर एब्सेंट भी थे। तो फेल होने की संख्या भी यहाँ पर काफ़ी है, 104 यहाँ पर फेल हुए हैं, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम था, घर बैठे देखकर लिखना था आपको, तो भी यहाँ पर जो है 104 स्टूडेंट यहाँ फेल हुए हैं। उसके बाद BA सेकंड ईयर का रिजल्ट है एनुअल एग्ज़ाम का, तो इसमें 26,048 स्टूडेंट शामिल हुए थे, उसमें से 25,456 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं, 139 फेल भी हुए हैं, 342 सप्लीमेंट्री आए हैं, 111 के रिजल्ट रोके गए हैं, 232 एब्सेंट थे। तो 97.73% इसका रिजल्ट आया है, एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट भी कह सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि देख के लिखने के बाद भी यहां पर 139 स्टूडेंट जो है फेल हो चुके हैं, एब्सेंट भी यहां पर 232 थे, पता नहीं किस वजह से एब्सेंट थे, और सप्लीमेंट्री आने वाले भी यहाँ पर 342 है, 111 के रिजल्ट रोके गए हैं, पता नहीं क्या लिखे हैं या क्या वजह है, 111 के रिजल्ट भी यहाँ पर रोके गए हैं। उसके बाद BA पार्ट वन के एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट भी यहाँ पर आ चुका है, तो 33,063 स्टूडेंट में से 31,202 स्टूडेंट पास हुए हैं, 615 फेल हुए हैं और 1,035 जो है सप्लीमेंट्री आए हैं, 211 के रिजल्ट रोके गए हैं, 518 स्टूडेंट यहां पर एब्सेंट भी थे। तो 94.37% इसका रिजल्ट है। तो BA फर्स्ट ईयर का रिजल्ट यहां पर अच्छा नहीं है, सेकंड ईयर का भी उतना अच्छा नहीं है, जबकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ, घर से देखकर लिखे थे तो भी। तो यही दो रिजल्ट है जिसका आप लोग काफ़ी दिनों से आपको इंतज़ार था, वो रिजल्ट तो आ गया है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो जिनके रिजल्ट रोके गए हैं BA फर्स्ट सेकंड ईयर में 111 और BA फर्स्ट ईयर में 211 स्टूडेंट के रिजल्ट रोके गए हैं, तो क्या वजह है, तो जब भी रिजल्ट जारी होगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिएगा, रिजल्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोग वो रिजल्ट देखने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है दूसरा रिजल्ट और भी जारी हुआ है, तो LLM पार्ट टू ग्रेडिंग का यहाँ पर सेमेस्टर का टू जो सेकंड सेमेस्टर है LLM पार्ट टू सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, 93.42% इसका रिजल्ट है, 76 में से 71 स्टूडेंट पास हुए हैं, 3 एटीकेटी आए हैं और 2 के रिजल्ट यहां पर रोके गए हैं। मेन इंपॉर्टेंट यहां पर ये था BA पार्ट टू और BA पार्ट वन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो उसी प्रकार से फेल होने वाले की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। BA फर्स्ट ईयर में 615 स्टूडेंट फेल हुए, सोच सकते हैं आप लोग, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी ये लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए, अब यही जाने कि कैसे क्या ये लोग फेल हुए। पूरा आने वाले भी 1,035 स्टूडेंट है, तो बहुत यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा ऑनलाइन एग्ज़ाम। चलिए अगर कॉलेज में जाकर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता
तो बात अलग थी। तो जो भी हो रिजल्ट यहाँ पर जारी हो चुका है और जिनके रिजल्ट रोके गए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखें, क्योंकि जब भी ये रिजल्ट रोके गए जारी होंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।